आपने लोगों को मास्क लगाए तो खूब देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें जानवर भी मास्क लगाए दिख रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका से लोगों में खौफ व्याप्त है, जिसको लेकर गांव के किसानों ने जानवरों को भी महामारी से बचाने की कवायद शुरू कर दी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी तक तो सिर्फ लोग ही मास्क लगाते दिख रहे होंगे, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सीहोर से सामने आई हैं, जिनमें जानवर भी मास्क लगाए हुए हैं, जिससे लोगों को भी एक सबक मिलता है कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ कम हुआ है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर में कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी जिनमें जानवरों को भी कोरोना संक्रमित बताया गया था, लेकिन जानवरों में कोरोना वायरस होने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यह एक गांव की सच्चाई है जहां कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है, तो वहीं तीसरी लहर को लेकर भी लोगों में डर बना हुआ है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। दूसरी लहर में हुआ कोरोना का आतंक देखते हुए लोगों में तीसरी लहर को लेकर डर बना हुआ है, जिससे वह खुद तो मास्क लगा ही रहे हैं, साथ में जानवरों को भी मास्क लगा रहे हैं। इसी चिंता में गांव चंदेरी के किसान MS मेवाड़ा और मनोज मेवाड़ा ने संक्रमण से बचाने के लिए जानवरों के भी मुंह पर मास्क बांध रखा है। किसान बैलगाड़ी के साथ भी बैलों को मास्क लगाकर शान से बाहर ले जाते हैं। MS मेवाड़ा ने बताया कि कोरोना जानवरों के माध्यम से भी गांव में आ सकता है, इसलिए अनूठा प्रयोग किया गया है। उनकी सलाह है कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए खुद की सुरक्षा के साथ जानवरों की भी सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण रोकने के सिर्फ दो ही उपाय हैं, पहला मास्क और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। बेशक जानवरों में कोरोना संक्रमण फैलने की कोई रिसर्च सामने नहीं आई है, लेकिन किसान के लिए उसके जानवर जी जान से ज़्यादा प्यारे होते हैं, लिहाजा किसानों और गांव वालों ने अपने अपने जानवरों को मास्क पहना दिए हैं और ग्रामीणों ने स्वरचित गाना गाकर लोगों को कोरोना और मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया है। सीहोर जिला है का, हम चंदेरी गांव में हैं। हम लोग मध्य प्रदेश में आता है हमारा सीहोर जिला चंदेरी गांव। कोरोना बीमारी विगत 2 साल से आई है। 1500 की जनसंख्या है मेरा चंदेरी गांव, लेकिन यहां कोरोना बीमारी को हमने घोषणा तक नहीं दिया। हमने पिछली बार सरकार ने अपील करी थी कि जनता कर्फ्यू लगा, तो वो भी हमने लगाया था हमारे गाँव में जनता कर्फ्यू। हम पूरे ग्रामीण जनों ने दोनों डोज वैक्सीन का भी लगवा चुके हैं, और मैं तमाम देशवासियों से, ग्रामवासियों से अपील करूंगा कि सब लोग वैक्सीन का दोनों डोज लगवा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही संदेश है कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं। तो वैक्सीन भी हमने लगवा चुके हैं,
मास्क भी सबको लगाना है, क्योंकि अभी इस बीमारी का नई बीमारी आने की संभावना है। होमोक्रोन करके कोई नई बीमारी चली है, ये भारत देश में आ चुकी है, इसका भी हमें बचाव करना है। इसलिए हमारे गांव के किसानों ने मवेशियों को, अपनी गाय को, कई भैंसों को, कई बैलगाड़ी को, सबको मास्क पहना दिया गया है। साथ ही हम लोगों ने एक जनजागरूकता अभियान चलाया है, गीत गा करके वैक्सीन लगवाने के लेकर गीत गाकर ढोलक पेंट झांझी पर हमारे गांव के चंद्र पटेल ने और मैंने मिलकर गीत तैयार किया है। वो गीत भी देशवासियों को सुनाया जा रहा है कि सब मिल भैया वैक्सीन लगवा लो हैं और इस मास्क लगा लो, इस बात का गीत भी हमने देशवासियों को जागरूकता अभियान चला रहे। चंदेरी नहीं, मैं सभी गांव में ये जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं, कहीं गीत गा करके तो कहीं मास्क लगवा करके तो कहीं वैक्सीन लगाने की पहल की जा रही है। आज ये हमारा सीहोर जिला चंदेरी गांव में ये जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट सीहोर। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B-pharma, M-pharma, BSc, B-tech, M-tech and polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.